फ्रेंड्स वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बनाएंगे व्हाइट ग्रेवी और टमाटर ग्रेवी, दोनों इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हम लोग लेंगे पहले पीनट मूंगफली, उसको इस तरीके से बॉईल कर लेंगे उसको 15 से 20 मिनट। अब उसको पीसेंगे, उसमें 2 किलो मूंगफली का होएगी तो उसमें 1/2 kg काजू मिक्स करना, 1/2 kg, और इसको इस तरीके से पेस्ट कर लेना ग्राइंडर में, मशीन में भी जैसे आपको अच्छा लगे। मशीन तो घर पे रहता नहीं है, ग्राइंडर रहता है, उसको इस तरीके से पीस लेना। आप सिर्फ काजू का भी बना सकते हो, सिर्फ काजू मूंगफली नहीं डालो आप, सिर्फ काजू का भी बना सकते हो, लेकिन मैं दोनों मिक्स करता हूँ, अलग ही टेस्ट, अच्छा टेस्ट आता है इसलिए। तो इस तरीके से उसको पीस लेंगे 3 से 4 बार, एकदम फाइन करके पीसना उसको। ये मशीन है, 3 से 4 बार पीसता हूँ इसमें। अगर ग्राइंडर होता ना घर पे मिक्सर, उसमें तो आप एकदम फाइन करके उसको पीस लेना। फिर इसमें ऑयल डालना, एक हांडी लेंगे उसमें ऑयल, उसमें खड़ा मसाला, तेजपत्ता, छोटी इलायची, दालचीनी और जावित्री और बड़ी इलायची भी डालना। वो मेरे पास ख़त्म हो गया तो मैंने नहीं डाला। तो अब गार्लिक जिंजर पेस्ट दोनों लेंगे बराबर क्वालिटी में, थोड़ा सा उसको ऐसे डाल के फ्राई कर लेंगे। ये ब्राउन होने, ज़्यादा इसको जलाना नहीं, हल्का सा कलर आए इस पर, थोड़ा सा एकदम से ब्राउन होए, अब इसको पेस्ट को उसमें डाल देने का। ये इस तरीके से ये अब रेडी हो गया। इस तरीके से इसको चलाते रहना, जब ये इस तरीके से हो जाए, थोड़ा ब्राउन हो जाइए, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है तड़का मारने में, पकाने में थोड़ा समय लगता है लेकिन तड़का मारने में समय नहीं लगता। यह अब रेडी है, इसमें जो पेस्ट है वो पेस्ट डाल देंगे अब हम लोग। और इसको पेस्ट को जब भी मिलाएंगे एक ही साइड से मिलाएंगे, क्योंकि इसमें दूध भी मिलाएंगे हम लोग तो फिर फटने का खतरा रहता है। वाइट ग्रेवी जैसे दूध फटता है ना, ऐसे वाइट ग्रेवी फट जाता है। तो इसको डालने के बाद ध्यान रहे एक ही साइड से घुमाए, दाएं से बाएं ओर या बाएं से दाएं ओर, जितना भी घुमाए एक ही साइड से घुमाए इस तरीके से। और इसको उबाल, एक बार जब उबल जाए, इसमें उबाल आ जाए तो इसमें दूध मिक्स करेंगे। ये 1 किलो मूंगफली है, 1/2 kg इसमें काजू है और 1 लीटर दूध है। ये दूध गर्म कर लेंगे, गर्म दूध डालना, ठंडा दूध नहीं डालना। अब ये उबल गया हमारा, तो अब इसमें हम लोग इसको ये मिला देंगे। और इसमें कोई मसाला कुछ नहीं मिलाना, मसाला इसमें कुछ नहीं डालना, कोई मसाला किसी तरीके का, कोई नमक शुगर अगर एड कुछ ही नहीं करना। इसको सिर्फ ऐसी बना लेना। और इसके कौन कौन सी खाने में ये इंडियन फूड में रेसिपी में यूज़ होता है वो मैं बताऊंगा आने वाली वीडियो में। ये रेडी है, इस तरीके से छान लेना इसको फाइन एकदम छन्नी से, और ये रेडी है इस तरीके से। आपकी आई होप समझ में आया हो। अब हम लोग बनाएंगे टमाटर ग्रेवी। टमाटर हमने उबाल लिया है, ये 30 किलो टमाटर है, उसको इस तरीके से हमने उबाल लिया। अब इसको जो पानी इसका नहीं फेंकना है, उसी पानी में जिसमें उबाला है उसी में इसको पीसना है। पहले इसको साफ करके धुल के ना टमाटर को बॉईल करना, और जो पानी है ना वो उसी में पीसना, अलग से कोई पानी नहीं डालना। और काजू ग्रेवी में पानी ऐड करना, फ्रेश पानी। इस तरीके से इसको हम लोगों ने पीस लिया। ये और आप डाल पीस के इसको चढ़ा दिए, जब इसमें एक बार उबाला जाए तो 2 कैप्सिकम डाल देना और उसमें ऑयल डाल देना। ऑयल डाल के और कैप्सिकम डाल के 5 मिनट वेट करना, उसके बाद जब उबलने लगे तो उसमें टमाटो केचप डाल देना, करीबन 1/2 लीटर, 30 किलो में 1/2, तो उससे अंदाज़ा लगा। फिर इसमें ऐड करना सॉल्ट, जितना भी मतलब कि ज़्यादा नहीं, स्वाददार जितना भी आपको लगे कितने में हो जाएगा। इसमें दूसरा मसाला हो जाएगा शुगर, शुगर आप थोड़ा वो भी हिसाब से, मिर्ची
मिर्ची दो तरीके का होता है, एक स्पाइसी होता है, एक नॉन स्पाइसी। ये जो मैंने डाला ये नॉन स्पाइसी है तो इसलिए ज़्यादा डाला। बस तीन ही मसाला होगा, इसको 15-20 मिनट पका लेने का, इस तरीके से इसको छान लेने का, इसको भी फाइन करके। इसका भी बहुत इस्तेमाल होता है खानों में, इसको भी मैं बताऊँगा कौन कौन से खानों में इस्तेमाल होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, नहीं आया तो कमेंट में करना, फिर से बना दूँगा, कोई इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, इस तरीके से।